गीत जो मन भाए कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नीलम। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। गोविंद निहलानी जाने माने सिनेमेटोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, टीवी और सिनेमा के साथ लगभग 4 दशकों से जुड़े हैं गोविंद निहलानी। आ
गोविंद निहलानी एक कुशल पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता भी हैं। सिनेमेटोग्राफी में बकायदा प्रशिक्षक गोविंद निहलानी ने अपने कैरियर की शुरुआत दादा साहेब फाल्के सम्मान प्राप्त सिनेमेटोग्राफी वी के मूर्ति के असिस्टेंट के रूप में की थी। एक स्वतंत्र फिल्मकार के रूप में उनकी पहली फिल्म आक्रोश थी, जिसने फिल्म कला के नए मुहावरों को मजबूत जगह दी। किसी में समाए हुए हैं।
बदलते वक्त के साथ गोविंद निहलानी ने प्रासंगिक विषयों पर भी फिल्में बनाई जो दर्शकों और समीक्षकों दोनों का ही समर्थन हासिल करती रहीं। आक्रोश फिल्म के बाद इन्होंने फिल्म बनाई अर्धसत्य। इस फिल्म में कलाकार थे स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह। जो गगन घन अंधकार
1990 में गोविंद निहलानी की फिल्म आई दृष्टि, जिसमें अभिनय किया था शेखर कपूर, डिंपल कपाड़िया और इरफान खान ने। गोविंद निहलानी ने जबरदस्त फिल्में बनाई। इन्हें अपनी पहली फिल्म आक्रोश के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया था। बूंदों से बातें
प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। अरे गार्ड भैया, दरवाजा तो खोलो, मैं यहाँ हूँ। कहाँ देख रहे हो, अंदर आना है मुझे, दरवाजा तो खोलो। अरे जरा ठहरिए मैडम, पहले हाथ तो सैनिटाइज कर लीजिए, इतनी जल्दी क्या है। हाथ सैनिटाइज कर लूँ, मेरे हाथ साफ है, देखो तो सही। अरे लेकिन फिर भी जो भी हमारे कॉलोनी में आता है उनको पहले हम हाथ सैनिटाइज करवाते हैं तभी अंदर जाने देते हैं, क्योंकि बचाव में ही समझदारी है। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमाके गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। विविध भारती, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है गीत जो मन भाए, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गोविंद निहलानी की। गोविंद निहलानी एक उत्कृष्ट फिल्म मेकर हैं। यही बात उनकी अर्धसत्य, द्रोहकाल, दृष्टि और संशोधन जैसी फिल्में और तमस जैसी टीवी सीरियल देखकर पता चलती है। इसके अलावा इन्होंने तक्षक और देव जैसी बॉलीवुड मूवी भी बनाई जो काफी सराही गई। आइए सुनवाते हैं आपको तक्षक फिल्म का ये गीत। यही कहे, इस आंधी में भी न छोड़े।
गोविंद निहलानी की फिल्मों को देखने का नजरिया और सोच बिल्कुल अलग है, जो कि इनकी फिल्म देव को देखकर पता चलता है। गोविंद निहलानी ने और भी कई फिल्में बनाई जो दर्शकों के दिल में जगह बना गई, जैसे पिता, विजेता, पार्टी, देहम और 1084 की माँ। पल खुशी के साथ फिर भी कोई कमी सी है,
क्यों जिंदगी के साथ यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ सब कुछ तो पास है क्या बात है पता नहीं दिल क्यों उदास है हर लम्हा है हसीन नई दिल कशी के साथ फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ हिंदी सिनेमा के इतिहास में गोविंद निहलानी को अलग तरह की फिल्मों के निर्माण के लिए उनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। चाहत भी है सुकून भी है दिलबरी भी है सुकून भी है दिलबरी भी है आंखों में ख्वाब भी है लबों पर हंसी भी है दिल को नहीं है कोई शिकायत किसी के साथ फिर भी गीत जो मन भाए कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 4:20 पर खुशबू सुबह के कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नीलम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। सुबह के 4 बजने को है। 4 बजते ही आप सुनेंगे पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में समाचार।